Hello student, I am Roshni from Enlightening yourself. Students, we have completed yesterday the chapter 3rd, that is synthetic fiber and plastic, and we have discussed few questions also, that is up to question number 4. Now we will start question number 5. Which question is 5th, students? That what is here is explain why plastic containers are favored for storing food. प्लास्टिक कंटेनर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग फूड? आंसर देखो इसका स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए. सी, आई एम नॉट ओनली राइटिंग द क्वेश्चन आंसर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल्सो, सो ताकि आपको ईजिली लर्न हो जाए साथ में. सो फॉर इज बिकॉज ऑफ लाइट वेट. दूसरा क्या है स्टूडेंट? ईजिली हैंडल. थर्ड, डू नॉट रिएक्ट. ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है. हम क्यों फेवर करते हैं ज़्यादा स्टोरिंग फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए? प्लास्टिक कंटेनर्स लाइट वेट है, ईजिली हम उनको हैंडल कर सकते हैं. डू नॉट रिएक्ट, रिएक्ट भी नहीं कर सकते. और क्या है? इट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. सो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, लाइट वेट हो गया, इजीली हम उसको कैरी कर सकते हैं, ब्रेक नहीं होगा, रिएक्ट नहीं होगा, और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मीन्स ज़्यादा समय तक चलेगा, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. इनका डिफरेंस बताना है स्टूडेंट हमें. What is the difference between thermoplastic and thermosetting? I have already explained, but still I am explaining. Number 1, you can write here. This side thermosetting. थर्मोसेटिंग का आप क्या, पहले मैं थर्मोसेटिंग के लिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, फिर आप थर्मोप्लास्टिक के लिख लेना. ओके, सो थर्मोसेटिंग का क्या है? First one is that they do not show any effect of heat. Second point, they are hard. कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये हार्ड होते हैं. थर्ड, दे कैनॉट बी रिसाइकल्ड. और फोर्थ, इसका क्या ले सकते हो आप? एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट. बेकेलाइट, मेलामाइन, ये क्या हो गया? फोर्थ हमने ले लिया इसका एग्जाम्पल. सो दे डू नॉट शो एनी इफ़ेक्ट ऑफ हीट. इनके ऊपर इफ़ेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हीट का. दे आर हार्ड, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, एंड लास्ट इज एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक के देखो बेटा, यहाँ थर्मोसेटिंग है, अब लिखते हैं हम थर्मोसेटिंग के बाद थर्मोप्लास्टिक. अब यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक के करी हूँ, तो यहाँ था दे डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑफ हीट, तो यहाँ क्या आएगा? दे शो. थर्मोसेटिंग का लिख ही देती हूँ बेटा, किसका देख रहे हैं अब हम? थर्मोप्लास्टिक का. सो नंबर 1 पॉइंट क्या है? दे show the effect of heat. Number 2, they are soft. स्टूडेंट क्या है वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट. 3rd, they are recycled. और 4th, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? PVC, then polythene, 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 POLYTHENE. एग्जाम्पल PVC, पॉलीथीन. होप इट इज़ क्लियर. आप और भी लिख सकते हो. Their shape can be easily changed. So ये क्या है? कुछ इसके इसका difference हो गया. Next we will see the next question. Explain why the following are made up of thermosetting plastic. इनको हम thermosetting plastic से क्यों बनाते हैं बेटा? Why? So सॉस पैन हैंडल को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाते हैं? सॉस पैन हैंडल्स. सॉस पैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग plastics because when we cook the food, then the utensils become hot and the handle is handle does not show any effect of heat on them. See, saucepan handles are made up of thermosetting plastic. क्यों? Because जब हम खाना बनाते हैं, when we cook the food, then the utensils become hot and the handle does not show any effect of heat on them. आगे भी थोड़ा सा लिख लो. Do not show any. So thermosetting plastics are, ये लिख लेना लाइन, thermosetting plastics are poor conductor of thermosetting plastics are poor conductor of heat and do not soften on heating. So do not soften on heating. That's why. So thermosetting plastics poor conductor of heat होते हैं and do not soften, मतलब ये soft नहीं होते on heating. So इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, सॉस पैन के हैंडल किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. व्हाट इज द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक प्लग स्विच एंड प्लग बोर्ड्स आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. वाई, इसमें भी वही सेम, बिकॉज व्हाट वी विल राइट, because this plastic is bad conductor of electricity. So because this plastic is bad conductor, एक तो ये बैड कंडक्टर है, ये डी है बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड thermosetting plastic do not get heated, वो गर्म भी नहीं होते, ठीक है. सो thermosetting plastics are used for making electric plug switch and plug boards because thermosetting plastic is bad conductor of electricity, and when electricity is passed through the these wires, then this switch and the boards do not get heated, वो गर्म भी नहीं होंगे. If heated, अगर heated हो जाएंगे, डो नॉट गेट हीटेड, वो गर्म भी नहीं होंगे. बट अगर गर्म हो भी जाए बेटा, थोड़ा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑफ हीट ऑन देम. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटेगरीज द मटेरियल ऑन द प्रोडक्ट. Here we will find out which one is okay. Now we will see which one is the can be recycled and which cannot be recycled. We will check here. Telephone instrument को हम not recycled में, देखो not recycled में हम लिख देंगे student N R N, ठीक है. So टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का क्या आएगा, नॉट रिसाइकल्ड. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नॉट रिसाइकल्ड. ओके, प्लास्टिक टॉयज रिसाइकल्ड, कुकर हैंडल नॉट रिसाइकल्ड, कैरी बैग्स रिसाइकल्ड. देखो ये क्या होगा, नॉट, ये रिसाइकल. सो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट क्या है स्टूडेंट, नॉट रिसाइकल्ड. प्लास्टिक टॉयज़ को हम रिसाइकल कर सकते हैं, कुकर हैंडल नॉट रिसाइकल, कैरी बैग्स रिसाइकल, बॉल पॉइंट पेन दिस इज नॉट रिसाइकल्ड, देन प्लास्टिक बाउल्स, को क्या करते हैं स्टूडेंट हम, रिसाइकल. प्लास्टिक कवरिंग यस, रिसाइकल कर सकते हैं स्टूडेंट हम. प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स पे क्या कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ PVC. प्लास्टिक चेयर यस, रिसाइकल. बट सम ऑफ द चेयर्स, दोनों टाइप की चेयर्स आती है हमारे पास, दैट इज़ डिपेंड ऑन. एंड इलेक्ट्रिकल स्विच नॉट रिसाइकल. क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, Now we will see the next question. Rana wants to buy a shirt for summer. See, Rana को क्या कर. Next question is student that Rana wants to buy a shirt for summer. Summer के लिए उसको shirt खरीदना है. So should he buy cotton shirt or shirt made up of synthetic fibers? So advice Rana. तो हमें कौन सी होनी चाहिए. Rana wants to buy shirt for summer. तो summer के लिए buy करनी है बेटा. So Rana should buy cotton shirt. Rana ये रहा. Rana should buy. Rana ही काट दो बेटा. Rana should buy cotton shirt. Okay, not synthetic material से बनी हुई. Now why? Because what is the reason? Because cotton क्या है student? Cotton is a good absorber. क्या है student? Cotton. Cotton is a good absorber. क्या है student? Cotton is a good absorber of water. So good absorber of water and easily soak. And easily क्या हो जाएगा बेटा. And it easily soak the sweat. Coming from our body. Coming from our body. So because cotton is a good absorber of water and good absorber water है and easily soak the sweat coming out from our body and evaporate it. इसको आगे लिख देती हूँ. And evaporate it. And easily evaporate. And easily क्या हो जाएगा students? Evaporate. Easily evaporate. And we feels cool. So I hope it is clear. Next we will see. Give example to show that plastic are non-corrosive in nature. कुछ ऐसे हमें बताना है. कुछ मीन्स कोई एग्जांपल दे सकते हो या कोई भी चीज़ जो हमें ये पता करे कि इज नॉन कोरोसिव इन नेचर. क्या है? प्लास्टिक नॉन कोरोसिव इन नेचर होते हैं. सो प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोड. नाउ गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. कौन से एग्जाम्पल हम देंगे स्टूडेंट्स? दैट वी विल सी. प्लास्टिक आर नॉन कोरोड. प्लास्टिक क्या स्टूडेंट्स? प्लास्टिक्स आर नॉट कोरोड even if they come in the contact of a strong chemical. Plastic are not corrode if they come in the contact of strong chemical. प्लास्टिक कोरोड नहीं होते. अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल को भी प्लास्टिक को टच करेगा तभी. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नॉन रिएक्टिव नेचर. ऐसा किस लिए है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर. उनका नॉन रिएक्टिव नेचर है स्टूडेंट. इसीलिए प्लास्टिक क्या है? कोरोड नहीं होते. For example, cleaning chemicals that we use at home stored in plastic bottles. जो chemicals हम घर में किसी चीज़ को clean करने के लिए use करते हैं वो भी कहाँ? So always और laboratory में for example हम क्या ले सकते हैं students? For example the strong chemicals, आप देखो present in the laboratory, are always kept in plastic bottles. So प्लास्टिक का नॉन कॉरिसिव कैसे हम बता सकते हैं? क्योंकि प्लास्टिक को कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होगा वो कहाँ रखा जाता है? प्लास्टिक की बॉटल में. एग्जाम्पल में आप देखो स्टोरिंग केमिकल. फॉर एग्जाम्पल द स्टोरिंग केमिकल्स. फॉर एग्जाम्पल क्या है? द स्टोरिंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी. जो हम स्टोर करने के लिए चाहते हैं. फॉर एग्जांपल द स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग. फॉर एग्जांपल द स्ट्रॉन्ग केमिकल्स प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी आर ऑलवेज केप्ट इन प्लास्टिक बॉटल्स. और आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हो? सो एक और एग्जांपल बता देती हूँ स्टूडेंट. दैट ऑलवेज वन मोर एग्जांपल मेडिसिन्स. आर ऑलवेज पैक्ड इन प्लास्टिक्स. और दूसरा हम ये तो हो गया इसके एग्जाम. दूसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं? प्लास्टिक नॉन कॉरिसिव इन नेचर कैसे है? ख़राब नहीं होता. यू कैन से प्लास्टिक थ्रेड्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स. So thread used by doctors is also made of plastic. जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं थ्रेड्स वो भी स्टूडेंट किसकी बनी होती है? प्लास्टिक से. एंड इवन मैनी इंस्ट्रूमेंट्स. अगर आप देखोगे लाइक सिरिंज, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग देखते हैं ना सिरिंज एंड अदर थिंग्स, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, शुड द हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश शुड बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. देखो ये हमारा एक टूथब्रश स्टूडेंट. अब ये टूथब्रश, ये इसका जो हैंडल है ये, और ये ब्रिस्टल्स, इसको बोलते हैं ब्रिस्टल, जिससे हम ब्रश टूथपेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. ये दोनों सेम होने चाहिए? नो. हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश शुड नॉट बी, यहाँ से लिख देना हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश. टूथब्रश के बाद क्या लिखोगे? शुड नॉट बी. आगे क्या लिखोगे? शुड नॉट बी. ब्रश के बाद शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल. क्यों बेटा? बिकॉज ब्रिस्टल्स कैसे होने चाहिए? ब्रिस्टल्स should be soft. because सॉरी यहाँ बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं है, शुड बी बिकॉज ब्रिस्टल शुड बी सॉफ्ट होने चाहिए। अगर ब्रिस्टल सॉफ्ट नहीं होंगे तो क्या कर देंगे ये हमारे इसके जो ये क्या बोलते हैं इसको गम्स को डिस्ट्रॉय। ब्रिस्टल शुड बी सॉफ्ट सो दैट इट protects our gums because bristle should be कैसे होने चाहिए soft so that it protects our gums and handle कैसा होना चाहिए handle is made up of thermosetting plastic so that we easily hold it and make good grip on it ताकि हम उसको easily क्या कर सके hold। ब्रश को आप easily hold करोगे स्टूडेंट्स, hold कर पाओगे और उसके ऊपर अच्छी grip बना पाओगे तो आप उसको किसी भी एंगल में ब्रश को मूवमेंट कर सकते हो। What is the next question? Avoid plastic as far as possible। इसके ऊपर बताओ हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सकता है। क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट्स? बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। मैं आपको बताती हूँ प्लास्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपके बुक में एज इट इज शो कर रखा है। ये रहा क्या लिखना है, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद क्या लिखोगे स्टूडेंट आप, व्हाट वी विल राइट, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। पॉइंट्स में लिख दो आप, इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो, it does not get completely burned easily, in the process it leaves lot of poisonous fumes in the atmosphere and which cause pollution। यहाँ तक। और इसमें आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, and the plastic material choke the respiratory system of the animals। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज की जरूरत नहीं यहाँ पे, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द एनिमल्स एंड और फॉर्म्स ए लाइनिंग इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल्स और फॉर्म्स ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। आप ये लिख सकते हो। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ एनवायरमेंट के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, वाई वी हैव नॉट टू यूज़ द प्लास्टिक। सो दीज आर ऑल द रीजन्स ऑफ द प्लास्टिक वाई वी हैव नॉट टू यूज़। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। सो हमें क्या समझ आया, प्लास्टिक को हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए? नंबर वन, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा, प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक को हम बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते। प्लास्टिक को जब हम बर्न करेंगे तो इट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस विच क्रिएट एयर पॉल्यूशन। और जो एक और लास्ट पॉइंट बताया था, प्लास्टिक को जब एनिमल्स खाते हैं तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ब्लॉक हो जाता है एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ देयर डेथ। अब थर्ड देखते हैं। 13th क्वेश्चन इज स्टूडेंट मैच द टर्म्स आइटम्स। सो पॉलिस्टर का क्या आना चाहिए स्टूडेंट? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का देखो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है बेटा? फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। ये फर्स्ट हो गया आपका आंसर। कौन सा? ये फर्स्ट वन। देन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है स्टूडेंट? ये रहा टेफ्लॉन, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। रेयॉन का क्या था? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। थर्ड। और नाइलॉन क्या है स्टूडेंट? यूज फॉर मेकिंग पैराशूट रॉक्स, पैराशूट्स एंड फॉर क्लाइंबिंग द रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। सो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहा है ये, अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स कर रहे हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि रॉ मटेरियल्स किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स? रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग सिंथेटिक बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। वी नॉट सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स and we do not use natural substances। नेचुरल सब्सटेंस को हम यूज़ नहीं कर सकते एंड वी डो नॉट यूज़ नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस लाइक wood। So synthetic fibers are made up of chemicals। Synthetic fibers स्टूडेंट किससे बने होते हैं? केमिकल से बने होते हैं। So raw material for natural fibers are mainly derived from the plants। So natural fibers किससे मिलते हैं? Natural fiber हमें mainly plant से मिलते हैं। यहाँ पे देखते हैं and natural fibers are mainly derived from plants। natural fiber हम कहाँ से derive करते हैं students? plants। एंड इसका मतलब क्या हो गया? एंड दिस मीन्स कटिंग ए लॉट ऑफ ट्रीज। इसका मतलब क्या हो गया? एंड नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ड्राइड फ्रॉम प्लांट्स। एंड इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कटिंग ए लॉट ऑफ ट्रीज। अगर हम लॉट ऑफ ट्रीज काटेंगे तो दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। This leads leads to deforestation। क्या होगा? This leads to deforestation। But raw materials for synthetic fibers are mainly petrochemicals। क्या students? बट रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल किसका बेटा? ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स या सिंथेटिक रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक मटेरियल रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक materials are mainly petrochemicals. Petrochemicals. So that's why help in manufacturing chemicals. So जब हम रॉ मटेरियल सिंथेटिक मटेरियल के लिए जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो क्या होगा? पेट्रोकेमिकल्स. लेकिन अगर हम नेचुरल सब्सटेंसेस लेंगे, नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाएंगे, हम नेचुरल मटेरियल से बनाएंगे, तो रॉ मटेरियल क्या होगा स्टूडेंट? प्लांट. सो हम प्लांट को काटेंगे जिससे डिफॉरेस्टेशन होगा. इसलिए कहीं ना कहीं पे वट वी से दैट सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प करते हैं कंजर्विंग द फॉरेस्ट. सिंथेटिक फाइबर हेल्प करते हैं कंजर्विंग द फॉरेस्ट. नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. आप एक्टिविटी दिखा सकते हो. दिस इज ए बल्ब. बल्ब के बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? आपने यहाँ पे ये बैटरी लगा रखी है. यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? ये एक की है यहाँ पे. ओके, दिस इज़ बल्ब, बैटरी, वायर और की, स्विच. नाउ इस वायर को कट करके, छोटे से पीस को आपने कट करके यहाँ पे आपने क्या लगा दिया स्टूडेंट? प्लास्टिक. यू कैन राइट इन योर नोटबुक, मेक दिस सर्किट एंड यहाँ पे लिख दो आप. यहाँ पे कट करके आपने यहाँ पे क्या लगाया स्टूडेंट? यहाँ पे ए और बी. यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया? इस ए और बी की जगह पे प्लास्टिक. सो बल्ब विल नॉट ग्लो. बल्ब डू नॉट ग्लो. सो दिस एक्टिविटी शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे हमने सर्किट बना के यहाँ पे ए और बी में कट करके हमने यहाँ क्या लगा दिया? प्लास्टिक. यहाँ लिख दिया प्लास्टिक. सो बल्ब डू नॉट ग्लो. दिस एक्टिविटी शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थैंक यू स्टूडेंट. नाउ आई विल, व्हाट इज माय क्वेश्चन स्टूडेंट? आई विल राइट हियर क्वेश्चन. Question is synthetic fibers are synthetic fibers are number 1 polymer. पॉलीमर्स. बी नेचुरल. सी फायरप्रूफ. सी इज फायरप्रूफ. और डी बायोडिग्रेडेबल. पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स है, नेचुरल, फायरप्रूफ, बायोडिग्रेडेबल. DEGRADABLE. Now give this answer in my comment box. Thank you student for watching my videos.